डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज जानते हैं परमाणु भार निकालना, एटम वेट कैसे निकाला जाता है। तो ये हम निकालेंगे परमाणु भार। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कुछ आवर्त सारणी के तत्वों को, जैसे कि हाइड्रोजन 1H1 होता है इसका, ये हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद में दूसरा इसे ले लेते हैं तो 2 हीलियम 4, 3 लिथियम 7। इसी प्रकार से चलो पहले मैं 3 का ही समझाता हूँ। देखो इसमें बेटा जो नीचे होता है ये होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है परमाणु भार। ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु भार, ये है परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु भार। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक है 1। और परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है इसका भी 1। इसका देखते हैं हीलियम का, तो परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक है इसका 2। और परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है 4। ऐसे ही लिथियम का देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 3। और परमाणु भार कितना है, 7। ये तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है। अब समस्या आती है कि मुझे यहाँ पे जैसे हमको निकालना है यानी Cl का परमाणु भार, परमाणु भार, या मुझे निकालना है मान लो NaOH का परमाणु भार। ये कैसे ज्ञात करेंगे, या हमें निकालना है मान लो CH3COOHSt अम्ल का परमाणु भार, या मुझे निकालना है जल का H2O का परमाणु भार या अणु भार, इसे अणु भार भी कह सकते हैं। अब देखो ये सब हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए मुझे पूरी आवर्त सारणी पढ़नी पड़ेगी। आवर्त सारणी आप जो है नोट, मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सबके याद होंगे तभी हो पाएगा। जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पर हीलियम, 3 नंबर पर लिथियम, वैसे ही 11 नंबर पर Na आता है, Na मतलब सोडियम। तो ये चीज़ मुझे जाननी पड़ेगी, 11 नंबर पर सोडियम आता है, 11 Na 23, यानी इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है इसका 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11, ये सोडियम का हो गया। इसी प्रकार Cl मतलब NaCl क्या है, क्लोराइड है, ये क्लोराइड, इसका भी जो है क्लोरीन बोलते हैं इसको, Cl2 जब लिखा जाता है Cl अभी क्लोराइड है। ये कितने नंबर पर आता है, ये 17 नंबर पर आता है, 17 35.5, तो यहाँ 35.5 हो गया। तो अब मुझे जैसे निकालना है NaOH का परमाणु भार, इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु भार 35.5। तो मुझे निकालना है NaCl का परमाणु भार, तो Na का कितना लिखेंगे 23, प्लस Cl का कितना बेटा आया 35.5, तो इसको जोड़ देंगे 35.5, तो कितना आएगा 23.0 मान लो, इसको इसको मान लो 35.5, तो 5.53832558 आया, ये हो गया इसका परमाणु भार। फिर NaOH का मुझे जैसे निकालना है, तो NaOH का तो मुझे पहले से याद है कितना होता है, NaOH का 23 प्लस O का कितना होगा, H का कितना होगा, O देखो जैसे Cl आता 17 नंबर, वैसे 8 नंबर पर आता है O ऑक्सीजन, तो ये है 8 क्या है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है इसका 16, तो हम O का कितना लेंगे यहाँ पे 16, प्लस H का कितना लेंगे, H का तो भी यहाँ ऊपर बताया था 1 होता परमाणु भार, 1 इसका ले लेंगे। आप जोड़ दो सबको, 16 1 17 3 20 20 40, ऐसे आ गया। जैसे अब यहाँ पर मुझे निकालना है CH3COOH का, तो C कितने पे आता है, तो ये है भाई C आता है 6C12, 6 नंबर पर, तो परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है 12, तो कार्बन का कितना लिखेंगे 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 है कितनी बार हाइड्रोजन, 3 बार, तो 1 × 3, प्लस फिर से C कितनी बार, 1 बार 12,
वो कितनी बार है, दो बार, 16 + 16 दो बार, प्लस एच कितनी बार है, एक बार, सबको जोड़ लो तो 12 × 3 = 3 15 × 15 = 12 27 27 + 28 28 + 2 30 4 34 34 6 40 10 50 10 60 स्क्वायर करेंगे तो 60 आ जाएगा। ऐसे मुझे निकालना पड़े H2O का अणुभार, परमाणु भार, तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है एक, और ये कितनी बार हाइड्रोजन है, दो बार, तो 1 × 2 प्लस ओ एक बार है नहीं 16, तो 16 + 2 = 2 16 × 2 कितना आ गया 18, तो जल का 18 हो गया। तो हमने इतने निकाल के बता दिए हैं आपको, जल देखो सोडियम क्लोराइड का बता दिया, नमक का मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का बता दिया, और C3H6 कम लेनी इसका सिरके का बता दिया। तो आप जो है अब आवर सारणी बल का वीडियो बना देंगे, आवर सारणी के पूरे परमाणु क्रमांक परमाणु भार बना देंगे, वो याद कर लेना, या तो आप जो है अपनी बुक से उसका जो है याद कर लीजिए परमाणु क्रमांक परमाणु भार, और इसको जो है आप निकाल सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल जब दिया होगा कहीं तो न्यूमेरिकल में खुद ही वैल्यू दी होती है कि इसका इतना परमाणु भार है और इतना परमाणु भार है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा परमाणु भार का, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फिजिक्स क्लास 12th और केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।